गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स, टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 25 मई 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन की वेबसाइट से विजिट करके प्राप्त कर सकते हैं। सभी पीडीएफ और अन्य बहुत सारे स्टडी मटेरियल सभी का लिंक नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जुड़ जाएं और वेबसाइट पर भी पहुंचें। दोस्तों, यहां प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। हाल ही में दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में किसी नियुक्त किया गया है। सही जवाब है विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल के रूप में निवर्तमान अनिल बैजल के स्थान पर नियुक्त किया गया है। जो ये जो अनिल बैजल हैं, अब तक थे दिल्ली के उपराज्यपाल, ये अपना व्यक्तिगत कुछ कारण बताकर इस्तीफा दे चुके हैं। इन्हीं के स्थान पर अब 22वें उपराज्यपाल हो जाएंगे विनय कुमार सक्सेना। देखिए, उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल ही होते हैं और केंद्र और ये पूर्ण राज्य के दर्जा जहाँ प्राप्त है वहाँ राज्यपाल होते हैं। ये हम लोग जीके के टॉपिक्स में इस पर विशेष और आर्टिकल्स वगैरह धारा इस सब पर भी आधारित कुछ देखेंगे। फिलहाल ये देखिए, और ये जो विनय कुमार सक्सेना है, ये वर्तमान में खादी और ग्रामोद्योग आयोग अर्थात KVIC के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। जो KVIC जो है खादी और ग्रामोद्योग उद्योग, ये MSME अर्थात सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो विनय कुमार सक्सेना होंगे 22वें उपराज्यपाल दिल्ली के। चलिए दिल्ली के बारे में और कुछ जान लेते हैं। दिल्ली के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं और उपराज्यपाल अब विनय कुमार सक्सेना हो ही गए। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर अर्थात दिल्ली पुलिस आयुक्त अभी कौन है? राकेश अस्थाना। लोकायुक्त कौन है दिल्ली के? हरीश चंद्र मिश्रा। ये सभी रहे एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में आपके लिए। अब चलते हैं, देखिए ऑप्शन से भी हम लोग हाल फिलहाल के इसी तरह के नई नियुक्तियां देखेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, ध्यान से देखिएगा। चलिए, मनिक साहा, इनको हाल ही में, बिल्कुल आपको याद होगा, मुझे पूरा उम्मीद है, इनको हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। मनिक साहा को, इनको बिप्लब कुमार देव के जगह पर त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री हाल ही में बनाया गया है, पिछले सप्ताह में। और त्रिपुरा के बारे में और देख लेते हैं, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो ये अगरतला है, अगरतला। और वहाँ पे राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है? तो सत्यदेव नारायण आर्य। ये सभी फैक्ट्स यहाँ से याद रखेंगे। डॉक्टर सुमन बेरी, इनको हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, डॉक्टर सुमन बेरी को। नीति आयोग अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको 2015 में योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था मोदी जी के आने के बाद। योजना आयोग के स्थान पर ये प्रश्न इस तरह से भी कई बार पूछे जा चुके हैं। फुल फॉर्म मैंने बता दिया, इसका स्थापना भी लगभग बताई दिया, 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना हुआ, योजना आयोग के स्थान पर लाया गया। नीति आयोग के चेयरमैन अभी कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वर्तमान में जो भी प्रधानमंत्री होंगे देश के वही होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष फिलहाल हो गए डॉक्टर सुमन बेरी। मोस्ट इंपोर्टेंट एक और पोस्ट है इसमें, CEO, नीति आयोग के CEO कौन है? तो है अभी अमिताभ कांत। ये सब याद रखेंगे। चलिए, डॉक्टर मनोज सोनी, इनको हाल ही में UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में बोले तो संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, डॉक्टर मनोज सोनी को। UPSC जो भारत में सबसे बड़े एग्जाम्स IAS, IPS, IFS लेवल की एग्जाम्स यही कंडक्ट कराता है। चलिए, इसके बारे में फुल फॉर्म तो जान ही लिया अपने, इसका स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में हुआ है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है और चेयरमैन आपने जाना ही डॉक्टर मनोज सोनी बन गए हैं। तो दोस्तों, पहले प्रश्न से ये सारी फैक्ट्स ऑप्शन से ये सारे फैक्ट्स हमने दिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज अब तक लाइक बटन नहीं दबाए हैं तो लाइक बटन दबा दें। और लास्ट में मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी ही, लास्ट में क्लास जब सेशन जब अंत हो तो इस सेशन को आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, दोस्त जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे इसको शेयर करके हमारी सहयोग करें, टार एजुकेशन का सहायता करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों आप इतना सहयोग जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर हैज 8th इंटरनेशनल योगा डे 2022 बीन अनाउंस्ड टू बी ऑर्गेनाइज्ड।
हाल ही में 8वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का आयोजन कहाँ किए जाने का घोषणा किया गया है? सही जवाब है मैसूर, कर्नाटक में है मैसूर। वहीं पे 8वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को प्रत्येक वर्ष। तो इस वर्ष भी 21 जून 2022 को कर्नाटक के मैसूर में ये आयोजित किया जाएगा, जिसमें मोदी जी और बड़े बड़े लोग भी उसमें शामिल होंगे, और इसी के साथ पूरी दुनिया में मनाया भी जाएगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहले मनाया नहीं जाता था। एक्चुअली में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 में ही संयुक्त राष्ट्र में इनके द्वारा एक संबोधन में ये सजेशन दिया गया था कि 21 जून को क्यों ना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाए, क्योंकि स्वस्थ जीवन के लिए योग कितना महत्वपूर्ण है आज हर कोई जान रहा है। और देखिए, बहुत जल्द ही संयुक्त राष्ट्र ने सर्वसम्मति से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में सहमति दे दिया और मनाया जाता है। ये तो रहे इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। अब आइए ऑप्शन से इसी तरह के प्लेस वैल्यू के समस्या से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं और हाल फिलहाल में न्यूज में रहे हैं। हरियाणा में है पंचकूला, ये न्यूज में क्यों है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 एक्चुअली में अभी तो चल रहा है 2022, लेकिन ये 2021 का ही संस्करण है जो कोविड-19 के कारण विलंब होते होते अब खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन हरियाणा के यही पंचकूला में किया जाएगा। कब से कब तक? ये किया जाएगा 4 से 13 जून 2022 तक इसका आयोजन किया जाएगा। पंचकूला के अलावा कुछ और जगह है उसका मैं नाम बता देता हूँ। हरियाणा का पंचकूला हो गया, उसके अलावा शाहबाद, अंबाला, चंडीगढ़ और दिल्ली में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया जाएगा 4 से 13 जून 2022 को। चलिए, हरियाणा में हो रहा है तो हरियाणा के बारे में भी जान लीजिए। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, और राज्यपाल हरियाणा के कौन है, गवर्नर कौन है? तो बंदारू दत्तात्रेय है, ये सभी याद रखेंगे आप। चलिए, आगरा क्यों न्यूज में है? तो आगरा और केंद्रीय खेल और युवा मंत्री अभी कौन है दोस्तों, खेल से संबंधित बातें हुई थी, और श्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं अभी। चलिए अब देखते हैं आगरा, आगरा क्यों न्यूज में है? तो हाल ही में घोषणा हुआ है 41वें हुआ क्या ये हो रहा है शुभारंभ हो चुका है 41वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के आगरा में, इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं बेंगलुरु, बेंगलुरु क्यों न्यूज में है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ऊपर में हम लोगों ने क्या देखा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, अब हम लोग बात कर रहे हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया जा चुका है। ये बेंगलुरु में किया गया है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, और इसका आयोजन 24 अप्रैल से 3 मई तक किया गया है। और इसका मैस्कॉट क्या था, अर्थात शुभंकर क्या था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का? इसका शुभंकर था वीरा, VEERA वीरा, ये इसका शुभंकर था, मैस्कॉट था, ये सभी आप याद रखेंगे इसमें। चलिए, तो दोस्तों दूसरे प्रश्न से हम लोग इसने कुछ सीखे, तीसरे प्रश्न पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज ऑन व्हिच डे वर्ल्ड टर्टल डे हैज बीन ऑब्जर्व रिसेंटली, हाल ही में किस दिन विश्व कछुआ दिवस मनाया गया है? सही जवाब है 23rd of May, 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया है। और इसके बारे में देखिए, इसका थीम रहा है, विश्व कछुआ दिवस का विषय है सेलिब्रेट आस्क एवरीवन टू लव एंड सेव टर्टल्स, इंग्लिश में ही है दोस्तों, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो भी थीम है, जो भी डेज है, उसका थीम इंग्लिश में ही याद रखना चाहिए मोस्टली। तो सेलिब्रेट आस्क एवरीवन टू लव एंड सेव टर्टल्स, ये इसका थीम रहा है। चलिए, पर्यावरण में कछुए के महत्व और कछुआ को उनके प्राकृतिक आवास में जीवित रहने और उनको मदद करने के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। अब आइए कुछ दिवस मई के हम लोग महत्वपूर्ण यहाँ से ऑप्शन से चर्चा कर लेते हैं। 21 मई को हाल ही में आतंकवाद विरोधी दिवस अर्थात एंटी टेररिज्म डे अर्थात हिंदी में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया है 21 मई को। क्यों मनाया जाता है? तो इसी दिन 21 मई 1991 को ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का हत्या कर दिया गया था, जिनके साथ साथ एक आत्मघाती विस्फोट हुआ था उनके सभा में, उनके साथ साथ 14 अन्य लोग भी मारे गए थे। राजीव गांधी के साथ संबंध में एक और बात है कि ये भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे जो मात्र 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ इन्होंने लिया था। तो इन्हीं के उस देहांत के दिन को 21 मई को जो उनका ये हत्या किया गया था, उसी दिवस को एंटी टेररिज्म डे अर्थात आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। ये रहे एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें। 21 मई को एक और महत्वपूर्ण दिवस है दोस्तों, इंटरनेशनल टी डे अर्थात अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, ये भी 21 मई को ही मनाया जाता है, आप याद रख सकते हैं। इसका थीम है इंटरनेशनल टी डे का,
टी एंड फेयर ट्रेड ये इसका थीम है, विषय है, याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं कौन सा है। 20th of May, 20 मई को क्या मनाया गया है, तो हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस अर्थात वर्ल्ड बी बी डे ये मनाया गया है। वर्ल्ड बी बी डे अर्थात विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट है 18 मई, इस दिन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया है अर्थात वर्ल्ड म्यूजियम म्यूजियम डे ये मनाया गया है 18 मई को। विश्व अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस या वर्ल्ड म्यूजियम डे 18 मई को। चलिए दोस्तों ये रहे तीसरे प्रश्न से फैक्ट्स। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज इन विच कंट्री द क्वाड समिट 2022 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये जरूर पूछा जा सकता है। तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 क्योंकि इसमें इंडिया शामिल है दोस्तों, इसलिए तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन जापान में किया गया है। मोदी जी इसमें भारतीय प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, शामिल हुए हैं, गए हैं, पहुंचे हैं वहां पे जापान में। इसमें सदस्य क्वाड को क्वाड से ही संबंधित आप देख ही रहे हैं, क्वाड का मतलब चतुर्भुज होता ही है। तो इसमें कौन कौन देश शामिल होते हैं, तो ये इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये चार देश इसमें शामिल होते हैं। जापान में हो रहा है तो जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा वहां पे जापानी येन चलता है, फुमियो किशिदा होगी। तो ये प्रधानमंत्री है वहाँ के जापान के, और इम्पेरर अर्थात राजा कौन है, नोरो हितो। ये रहा एक्स्ट्रा फैक्ट। आइए ऑप्शन से इसी तरह के कुछ वेन्यू से संबंधित हम लोग देखते हैं। स्विट्जरलैंड का ये ऑप्शन में क्यों मैंने दिया है, तो स्विट्जरलैंड के दावोस में हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अर्थात विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है। इसको याद रखेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। चलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कोलोगनी स्विट्जरलैंड में ही है। चेयरमैन उसके क्लाउस स्वाब है, SCHWAB। चलिए चाइना क्यों न्यूज में है, तो हाल ही में ब्रिक्स BRICS ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है, तो ये चाइना के द्वारा ही किया गया है। ब्रिक्स आप क्या समझते हैं, तो ब्रिक्स अ ग्रुप ऑफ ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये पांच देशों का संगठन ब्रिक्स नाम से जाना जाता है। ब्रिक्स का स्थापना 2006 में हुआ है, 2006 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो चाइना का एक शहर है बड़ा सा, संघाई यहीं पे इसका आयोजन हुआ है। संघाई को कुछ लोग चाइना की राजधानी समझ लेते हैं, नहीं ये गलत है, ये वहाँ का एक शहर है जो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है। बीजिंग है इसका चाइना का राजधानी, बीजिंग, ये याद रखेंगे। चलिए तो अब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन कहाँ होगा, तो यही ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। और बात करें ये प्रत्येक चार वर्ष पर ऐसे कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन होता है दोस्तों, तो अभी 2022 वाला बाकी ही है। तो 2022 का आयोजन कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन कहाँ होगा, तो ये होगा इंग्लैंड के बर्मिंगम में, जुलाई 28 से लेकर 8 अगस्त तक इसी वर्ष इंग्लैंड के बर्मिंगम में 2022 का कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट बातें मैंने यहाँ बताया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट किए होंगे, याद कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कौन इंडियन प्रीमियर लीग IPL के इतिहास में 700 चौके 701 टोटल ये हो गया है, लेकिन 700 चौके प्रश्न में आपको देख सकता है, तो 701 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो ये अपने देश से शिखर धवन हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के बल्लेबाज हैं। इन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में अब तक सर्वाधिक 701 चौके लगाकर पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इनसे पहले डेविड वार्नर 577 और विराट कोहली 576 चौके के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः बने हुए हैं। इसके अलावा शिखर धवन जो है विराट कोहली के बाद IPL इतिहास में 6000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी भी बन गए हैं। तो पहले कौन है 6000 रन पूरा करने वाले IPL में, वो है विराट कोहली, दूसरे बन गए शिखर धवन। चलिए कुछ और काफी महत्वपूर्ण बातें इसमें IPL से संबंधित हम लोग यहाँ देखते हैं, जो कि अपने आप में एक एक प्रश्न ही है, ध्यान से सुनिए। बाकी इसको PDF में आप वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तार एजुकेशन के वेबसाइट से जाकर आपको डायरेक्टली लिंक नीचे है, आप पहुंच जाइएगा। चलिए लखनऊ सुपर जायंट्स के क्विंटन डिकॉक और KL राहुल IPL के इतिहास में पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी की है। कहने का मतलब है कि अब तक किसी भी टीम ने फर्स्ट ओवर से लेकर जब बैट्समैन दो प्लेयर दोनों क्रीज पर बैटिंग के लिए आए हों, तो वो 20 ओवर तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि वही दोनों प्लेयर लास्ट लास्ट तक 20 ओवर तक खेले हों, लेकिन ऐसा हो गया है। किस टीम ने ये मुकाम पाया है, तो ये लखनऊ सुपर जायंट्स। दोनों प्लेयर कौन कौन थे, क्विंटन डिकॉक और KL राहुल, ये दोनों, और ये टीम 20 ओवर तक अर्थात
ये आईपीएल के इतिहास में इतने लंबे टोटल ओवर खेलने वाले पहले टीम बन गई है और ये दोनों प्लेयर भी ऐसे बन गए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन है, किंटन डिकॉक ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 70 गेंदों में नाबाद 140 रनों की पारी खेली है, जिसमें यही इसी से संबंधित है, इसको आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट और इसमें जो है मैं वो बता देता हूँ, देखिए रविचंद्रन अश्विन इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के इतिहास में संन्यास लेने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले कोई भी प्लेयर आईपीएल खेलते समय संन्यास की घोषणा नहीं किया था, लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने ऐसा किया है और ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं और ये राजस्थान रॉयल्स की टीम से खेल रहे थे। अगला है, चेन्नई सुपर किंग्स टीम में खेल रहे ड्वेन ब्रावो अब तक आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले ये प्लेयर बन गए हैं। ड्वेन ब्रावो 171 विकेट अब तक ले चुके हैं। इनसे पहले ये रिकॉर्ड लसित मलिंगा के साथ था 170 विकेट का। जो कहाँ के हैं ये, श्रीलंका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, अब संन्यास भी ले चुके हैं। चलिए 15वां संस्करण है ये, 2022 को वाला जो आईपीएल हो रहा है ये 15वां संस्करण है, क्योंकि 2008 में पहली बार खेला गया था तो 15वां संस्करण है। इसका आयोजन भारत में ही पूर्ण रूप से किया जा रहा है और इसमें दो नई टीम शामिल हुई हैं, ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वो दोनों नई टीम कौन कौन सी हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस। और इस बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है, 15वें संस्करण आईपीएल का जो हो रहा है इसमें कुल कितने टीम भाग ले रही हैं, लिए हैं, तो ये 10 टीमें भाग ली हैं। कौन कौन, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स जिसे आप शॉर्ट में केकेआर कहते हैं, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, सनराइजर्स हैदराबाद, गुजरात टाइटंस और लास्ट है लखनऊ सुपर जायंट्स। ये 10 टीमें का नाम मैंने यहाँ बता दिया और ये भी पूछा जा सकता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रिसेंटली अंडर हुज चेयरमैनशिप आरबीआई हैज कंस्टिट्यूटेड अ पैनल टू रिव्यू कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स इन बैंक्स एंड एनबीएफसी। ये एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। हाल ही में आरबीआई ने किनकी अध्यक्षता में बैंकों और एनबीएफसी में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा के लिए पैनल गठित किया है, तो ये बीपी कानून गो की अध्यक्षता में एक पैनल बना है इसकी स्टैंडर्ड को जज करने के लिए, इसमें सुझाव देने के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक के ये सुझाव दिया है और ये बीपी कानून को और पहले से आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। आरबीआई ने ये किया है इसके बारे में देखिए, आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुख्यालय इसका मुंबई में है, स्थापना इसका 1 अप्रैल 1935 में, राष्ट्रीयकरण इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ, 1 जनवरी 1949 में, और इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं अभी वर्तमान में। और आरबीआई में 4 उप डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर, ये सभी हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार 2022 में किसे 22 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये लाल गुड़ी, जीजे आर कृष्णन और विजय लक्ष्मी, इनको संगीत कला निधि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इसमें देखिए कुछ और है, संगीत कला निधि पुरस्कार 2020 भी इसी 20, 21, 22 तीनों हम लोग देखेंगे। 20 वाला मिला है प्रसिद्ध गायक नेवेली आर संतन गोपालन, 21 वाला मिला है प्रख्यात मृदंगम कलाकार तिरुवरूर भक्त वत्सलम, और 22 वाला आपने ऊपर देखा ही, वायलन जोड़ी लालगुड़ी जीजेआर और जीजेआर कृष्णन और विजय लक्ष्मी, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा भारतीय जलवायु कार्रवाई को गति देने के लिए एक अलायंस का गठन कर दिया है, तो विश्व आर्थिक मंच अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारतीय जलवायु पर की कार्रवाई को गति देने के लिए एक अलायंस का गठन कर दिया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसको शॉर्ट में WEF कहते हैं, स्थापना इसका 24 जनवरी 1971 में, मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के कोलोगनी में है और इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन क्लाउस श्वाब हैं, हालांकि मैंने इसको ऊपर में आपको वर्बली मैंने बताया भी था। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस एयरलाइंस कंपनी को नागरिक उड़ान महानिदेशालय अर्थात DGCA, DGCA का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ने किस एयरलाइंस को सेवा शुरू करने का फिर से अनुमति दे दिया है, तो ये जेट एयरवेज को DGCA ने सेवा शुरू करने का अनुमति फिर से दे दिया है। देखिए 3 साल से अधिक समय तक बंद रहा है ये जेट एयरवेज का सर्विस, अब इसको वाणिज्यिक उड़ान संचालन के लिए फिर से अनुमति DGCA ने दे दिया है और DGCA के फुल फॉर्म मैंने बताया था डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और अभी डायरेक्टर जनरल कौन है DGCA का, अरुण कुमार है। जेट एयरवेज के बारे में भी जान लीजिए, इसका स्थापना 1 अप्रैल 1992 को और इसका स्थापना इसके फाउंडर कौन है, नरेश गोयल है, मुख्यालय इसका मुंबई में है और CEO संजीव कपूर है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में आयोजित 12वीं विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप WWBC में किस देश ने सर्वाधिक पदक हासिल किया है, तो ये तुर्की
12वीं सेशन है ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के तुर्की। इसमें तुर्की 5 स्वर्ण 2 कांस्य सहित पहले स्थान पर है और इसका आयोजन तुर्की के इस्तांबुल में किया गया था। भारत की स्थिति इसमें देखें तो 1 स्वर्ण और 2 कांस्य के साथ कुल 3 पदक के साथ इसमें सफलता हासिल किया है। और भारत की तरफ से ये अलग से एक प्रश्न आपको आया होगा, देखे होंगे, भारत की तरफ से भारतीय बॉक्सर निखत जरीन जो तेलंगाना से है, पहले आंध्र प्रदेश में हुआ करता था, इनमें इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। वही एकमात्र स्वर्ण पदक इन्होंने ही हासिल किया है। AIBA, अब इसको IBA अर्थात इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, ये आयोजित कराता है ये सब खेल। इसका स्थापना 1946 में, मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के लॉजेन में है। नेक्स्ट है, हाल ही में वयोवृद्ध कम्युनिस्ट नेता का निधन हो गया है, क्या नाम है इनका, शिवाजी पटनायक, 93 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। उड़ीसा में भाकपा अर्थात मार्क्सवादी के संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है। चलिए, और ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस कम्युनिस्ट नेता थे ये। इनका ये सब पूछ सकता है कि हाल ही में शिवाजी पटनायक का निधन हुआ है, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो एक राजनेता थे, कम्युनिस्ट नेता थे, इतना याद रखना है। चलिए, वेयर हैज द एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज बीन ऑर्गेनाइज रिसेंटली, हाल ही में कहाँ विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है, तो ये स्विट्जरलैंड के दावोस में, ये मैंने ऊपर में एक ऑप्शन में दे भी दिया था। चलिए, और इसमें भारतीय प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं, तो हमारे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो वार्षिक बैठक हुआ है स्विट्जरलैंड के दावोस में, इसमें ये प्रतिनिधित्व भारत से किए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में ऊपर मैंने 2 बार बता चुका है, तो इसको मैं यहाँ रन देता हूँ। चलिए, क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका सही जवाब पिछले क्लास में हमने बताया था, उम्मीद करता हूँ आपको अब तक याद होंगे। तो याद हैं तो भी और याद नहीं है तो पिछली क्लास देखें या गूगल सर्च कर लें और पुनः इसको याद करके और कमेंट में जरूर इसका जवाब दें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक बटन दबा दें, अब तक दबाया नहीं है तो। और अब समय आ गया है इस सेशन को आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वहाँ शेयर करके टायर एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। और पहले से सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लिए हैं तो दोबारा से सब्सक्राइब बटन नहीं दबाना है, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। इसके अलावा आप टायर एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं सभी अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग इतना सहयोग जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।